यहाँ NSCC स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से SNBP स्कूल के जो नेशनल हॉकी गेम्स अभी चल रहे हैं स्कूल के लेवल पे, तो यहाँ पे कर्नल सुब्रमण्यम जो इंटरनेशनल हॉकी खेले हैं, ओलंपियन भी है, तो उनसे हम ये जो जानकारी लेंगे कि बच्चों की जो स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल हॉकी के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अभी SNBP स्कूल के माध्यम से जो DK भोसले और वैशाली मैडम के माध्यम से ये टूर्नामेंट हो रहा है, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, ऑल और इंडिया के स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, तो ये जो अभी आपने जो ओलंपिक खेला है जो इंडिया का, और रियो ओलंपिक अभी हो गया है, तो उसके बारे में इंडिया का फाइनल में या क्वार्टर फाइनल, अर्जेंटीना जो गोल्ड मेडल लिया और उन्होंने अर्जेंटीना को मारा था इंडिया ने, तो रियो ओलंपिक के बारे में, हॉकी और रियो ओलंपिक उसके बारे में क्या बोल सकते सर? इंडियन हॉकी के अच्छा प्रिपेयर किया था और अच्छा मैच भी खेले इन्होंने, और जो एक आधा मैच जो हार गया है तो क्वालिफाई हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, तो जो मैच खेला है अच्छे खेले हैं, और ये कह सकते हैं वो बैड लक है, और आगे अच्छे प्रिपेयर करके अगला ओलंपिक से तैयार करें। सर अभी अंडर 10 स्टैंडर्ड के यहाँ पे बच्चे हैं, रियो ओलंपिक का जो स्टैंडर्ड आपको और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी आपने देखा है, खुद खेले हैं, ये जो बच्चे अभी खेल रहे हैं और आपने भी खेला है, तो उसमें जो आपका स्टैंडर्ड और ये बच्चों का स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या बात कर सकते सर? देखो ओलंपिक स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पहुँचने के लिए इसी लेवल में हॉकी खेलना है, बच्चों को मौका बहुत मिलना चाहिए, टूर्नामेंट बच्चों को जितने टूर्नामेंट बच्चे खेलते हैं उसी टूर्नामेंट से बच्चे सेलेक्ट करके उनको जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं उससे अच्छे अच्छे लड़के खिलाड़ी मिल सकता है, और उनको आगे अच्छे कोच के अंदर इनको ट्रेनिंग करके इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करके और इनका क्या कहते हैं आगे का जो टूर्नामेंट्स है जूनियर लेवल में और सीनियर लेवल में खिला के इनके एक्सपोज दे के अच्छा टीम बनाना है, अच्छा ओलंपियन निकल सकता है, ऐसे नहीं कि इस बच्चे में आगे कोई ओलंपियन नहीं बन सकता है, ये इस बच्चे में भी बहुत ओलंपियंस निकल सकते हैं और मेडल भी ला सकते हैं। ये टूर्नामेंट जो है ऐसे टूर्नामेंट हर जगह होने से जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ जो फैसिलिटीज बच्चों को दिया जा रहा है, ये टूर्नामेंट एस्ट्रोटर्फ में किया जा रहा है, ऐसे कई बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, बट ये अच्छा मौका है, मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजर को इतना अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया है। मैं कई अभी कई जगह जाता हूँ, अभी भी चट ग्राउंड में खेलते ग्रास ग्राउंड खेल रहे हैं, अभी बच्चों को फिजिक भी देख रहा हूँ, और इसी टूर्नामेंट में एक कुछ लड़कों को सेलेक्ट करके इनको कैंप और एकेडमी बनाने से ओलंपियंस निकल सकता है, ऐसा नहीं कि ओलंपियन नहीं निकल सकते। सर एस्ट्रोटर्फ जो अभी बच्चे लोग खेल रहे हैं, आपके टाइम पे ये एस्ट्रोटर्फ नहीं था, और ज़्यादातर एस्ट्रोटर्फ अभी मिलता भी नहीं है बच्चों को, अभी क्वांटिटी बड़ी है लेकिन जितना होना चाहिए उतने हिसाब से नहीं है जो, तो एस्ट्रोटर्फ के जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में क्या बोल सकते सर? नहीं, हॉकी जो डेवलप करना है तो स्किल डेवलप करना है तो छोटे लेवल में स्कूल लेवल में जो ग्राउंड मिलता है उसमें बच्चों को खिला सकता है, टूर्नामेंट कंडक्ट कर सकता है, उसका बाद बच्चों को जो ट्रेनिंग देना है वो टर्फ में जहाँ टर्फ है वहाँ आपको कोचिंग कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि टेक्निक रूट लेवल पे जहाँ उपलब्धि है वहाँ पे दे सकते हैं और क्लिनिक अस्टोटप पे दे सकते हैं? नहीं, इसे जरूरी नहीं है कि बच्चे मतलब जहाँ जहाँ इनको खेलना व्यवस्था मिलता है, जो ग्रास ग्राउंड हो चाहे चट ग्राउंड हो, वहाँ भी छोटे छोटे टूर्नामेंट कंडक्ट करने से उन्हीं में से कुछ अच्छे लड़के निकलने से उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल में जहाँ टूर्नामेंट होता है एस्ट्रोटर्फ में वहाँ टूर्नामेंट खेला सकते हैं, या समर कैंप इनको एक आधा दो महीने जहाँ एस्ट्रोटर्फ अवेलेबल है वहाँ इनको कंडक्ट कर सकते हैं। सर जो
कौन सा भी गेम रहे उसका जो टेक्निक है, तंत्र है, उसके बारे में जानकारी है, मोटिवेशन है, प्रेरणा है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। आप सभी के लोगों के जो हिस्ट्री है, उनके आपकी जो तंत्र है, उसका लिटरेचर नहीं बनता है, उसकी वजह से बच्चों को आप सभी के लोगों का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो ये लिटरेचर होने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? मेरे हिसाब से आजकल हॉकी जो है बहुत सिंपल हो गया है। ये नहीं कि पहले बॉल कैरी करता था, बॉल ड्रिबल करता था, डॉज करता था, वो जमाना चला गया। हॉकी टीम गेम इसलिए बोलते हैं, सारे खिलाड़ी मिलके खेल रहे हैं, ये गेम होते हैं टीम गेम इसलिए बोलते हैं। तो लड़कों जो बच्चे हैं वो मिलजुल के खेलने से रिजल्ट निकलता है। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है कि मतलब एक आध आदमी से टीम जीत नहीं पाते हैं। तो उसका जो टेक्निक है, टैक्टिक्स है, कोच सिखाना है टीम गेम कैसे खेलता है, कैसे पास करना है। हॉकी इज बिकम वेरी सिंपल, बड़ा टेक्निक नहीं है। जैसे यूरोपियन खेलता है वो सिर्फ पास से ही खेलते हैं, और जो जो टेक्निक यूज करना है, जहाँ जहाँ लड़के है, मतलब जहाँ स्कोर करने का जो चांसेस है, जैसे पेनल्टी कॉर्नर में चांसेस है कोई स्कोर करने का, आजकल मैक्सिमम गोल जो है वो पेनल्टी कॉर्नर में ही होता है। वो पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए उसके लिए टैक्टिस है, जैसे बड़ा बड़ा ये काम नहीं है, लेकिन कोचेस है अपना, यहाँ इंडिया में बहुत कोचेस है, वो भी ग्रास लेवल में सिखाने से बच्चे इतना इंटेलिजेंट भी है, पढ़ा लिखा बच्चे भी आजकल वो पकड़ लेते हैं गेम। सर, यहाँ पुणे और महाराष्ट्र में पिल्ले परिवार का योगदान हॉकी में बहुत है, आप उन परिवारों के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? सर, पिल्ले परिवार ने हर जगह में क्या कहते हैं कि छाए हुए हैं, और क्या कहते हैं, धनराज पिल्ला है, रमेश पिल्ले मेरे साथ खेला हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ हर जो खिलाड़ी जो खेला है वो हर जगह में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी आके आ सकते हैं। आके अभी हम लोग को यू है, जो हम लोग ने सीखा है उसको आगे आगे बच्चे जो है उनको सिखाना है, जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो स्किल को या कुछ भी हो बच्चों को सिखाना है, तभी आगे आ सकते हैं। सर, अभी जो आयोजन कर, अभी रमेश पिल्ले सर का आशीर्वाद ये टूर्नामेंट को है, उसके साथ फिरोज सर और अंथनी सर जो है उनकी उनको एक्टिव काम करते हैं, तो ये भोसले परिवार ने जो ये टूर्नामेंट आयोजित किया है, तो उनको क्या गाइडलाइन या मार्गदर्शन क्या करेंगे? सर, मैं पहले बताया हूँ, इनको मुबारकबाद दोबारा देना चाहता हूँ मैं, और इतना पेन लेके ये जो टूर्नामेंट बच्चों को दिया गया है, ये बाहर से भी आके बच्चे खेल रहे हैं, बाहर का स्कूल के भी बच्चे आके खेल रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट है यादगार है, और बच्चे भी याद करेंगे। मेरा भोसले परिवार से एक रिक्वेस्ट है, ये टूर्नामेंट हर साल चल रहा है, ऐसे नहीं कि एक साल कर लिया और ख़त्म कर लिया इसको, और मेरे को उम्मीद है जिस हिसाब से ये लोग कंडक्ट किया है, ये टूर्नामेंट आगे मैं समझ सकता हूँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी हो सकता है निश्चित। हाँ, जो ये इन्होंने एक स्टेप इन्होंने दिखा दिया, और कई स्टेप ये लोग जा सकते हैं आगे, जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट बन गया है, बाहर देशों के बच्चे भी आगे खेलने लगेगा, तो अपने आप स्किल डेवलप होगा, अपना जो सोच रहे हैं जो आगे जाके मेडल लाना है उसका एक हेल्प होगा। और भोसले परिवार, मैं समझता हूँ ये चीज़ सही में कर सकते हैं। निश्चित सर, आपका जो आशीर्वाद अभी भोसले परिवार को भी मिला है, और ये जो महाराष्ट्र को भी मिला है, तो ये आशीर्वाद के साथ हम NSCC स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल आपका धन्यवाद मानते हैं, और आपने जो इंटरव्यू दिया है उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट से कुछ बच्चे इंडिया को खेल लिया है, तो मैं ये पूरा क्रेडिट भोसले परिवार को जाएगा, आगे जाके अगला ओलंपिक्स में, इसमें दो तीन लड़के ओलंपिक्स में आ गया, इंडियन गेम में आ गया, ये पूरा क्रेडिट भोसले परिवार को जाएगा, इतना अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मेरा पूरा क्या कहते हैं आशीर्वाद है, बेस्ट विशेस है, ये टूर्नामेंट आगे तक बहुत दिन तक चलना है। थैंक यू सर, थैंक यू।